दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपने पठान अगर देखी है तो समझ लीजिए आप बड़े मियाँ छोटे मियाँ देख लिए। जी हाँ दोस्तों, प्लॉट लगभग सेम सेम है। ये मूवी करीब 2.5 घंटा की मूवी है। ये मूवी नहीं, ये टॉर्चर है। 2.5 घंटा की मूवी है। इसका फर्स्ट हाफ इतना स्लो है, इतना बेकार है कि आपका मूड खराब हो जाएगा। इसका सेकंड हाफ क्लाइमेक्स अच्छा है, थोड़ा बहुत अच्छा है। उसमें एक अच्छा मैसेज दिया है कि जो AI जो टेक्नोलॉजी है, ये किस तरह से इंसानियत के ऊपर एक खतरा बन सकता है, ये बेसिकली दिखाया गया है। मतलब पठान जो मैंने बताया, जैसे कि पठान में जो कहानी है सेम वही कहानी है। जी हाँ दोस्तों, वो बिल्कुल वही है। मेरी बात माने तो आप थिएटर में जाके अपना पैसा और समय बर्बाद मत करिए। OTT पे आएगा तो एक बार देख लीजिएगा। हाँ, इसको ये कह सकते हैं वन टाइम वॉच मूवी है। बाकी अगर कोई ये कहे कि यार ये मूवी ना देखना, मतलब कि आप देशभक्त नहीं है, भाई अगर देशभक्ति साबित करना है तो मैदान मूवी जाके देखिए। रियल लाइफ हीरो के ऊपर वो मूवी बनी है। वो भी 3 घंटे की मूवी है। वो भी मूवी और छोटी हो सकती थी, लेकिन अच्छी मूवी, मतलब बड़े मियाँ छोटे मियाँ से लाख गुना बढ़िया वो मूवी है। अब जाके उसको देखिए, कसम से बता रहे हैं। आप इंडियन होने पर आपको गर्व ना हो तो मेरा नाम बदल दीजिए। जी हाँ दोस्तों, बात करें बड़े मियाँ छोटे मियाँ की, तो यार देखो लगातार ये अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ लगातार फ्लॉप फिल्में दे रहे थे। ये अक्षय कुमार कमबैक है, ये फाइट सीन बहुत धांसू होने वाला है, भाई ऐसा कुछ नहीं। हाँ कुछ फाइट सीन्स थे जो बहुत अच्छा दिखाया गया है। VFX भी कुछ ठीक ठीक है, लेकिन इसका स्क्रीन प्ले, इसकी पटकथा बहुत ही घटिया है, बहुत ही बेकार है। और हालांकि मैदान मूवी का भी ऐसा कुछ है, लेकिन अजय सर की एक्टिंग ने उस चीज को छुपा लिया, या फिर कहिए बचा लिया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता गुरु, यहाँ पटकथा तो खराब ही है और एक्टिंग तो भैया वही एक्टिंग है जो पिछले कई साल से अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ अपना एक्टिंग करके हमको दिखा रहे हैं, जो कि बहुत पकाऊ हो गया है। मतलब हाँ, गणपत मूवी से अच्छा ये मूवी मैं कह सकता हूँ। मजे की बात ये है कि इस मूवी में कॉमेडी भी है। जी हाँ दोस्तों, और कॉमेडी के जिम्मा किन को दिया गया, आप सोच भी नहीं सकते। टाइगर श्रॉफ, अरे भैया जब अक्षय कुमार जैसा कॉमेडियन आपके साथ था तो आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। हालांकि ये मूवी पूरी रिस्क है। अब पता नहीं इस मूवी का बजट 300, 350, 400 करोड़ कैसे है, इसमें क्या मतलब ऐसा एलिमेंट डाल दिया गया है कि इसका बजट इतना ज्यादा हो गया है कि अक्षय कुमार की फीस इतनी है कि भाई क्या बोला जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाएगी, 350, 400 करोड़ जो भी इसका बजट है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये अपना बजट भी कवर कर पाएगी। इसका पहले दिन का कलेक्शन कम से कम 10 से 15 करोड़ भी होता तो हम मान लेते कि हो सकता है कि धीरे धीरे को अपना बजट कवर कर लेगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये मुझे ऐसा लगता है पहले दिन अपने 5 से 6 करोड़ ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है। ये मूवी बेकार है। अब OTT पे आएगा देख लेना। OTT पे नहीं आएगा तो फिर सब्र रखिए, TV पे आ जाएगा तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ऐसा कुछ मास्टर पीस या भयानक या जबरदस्त एक्शन सीन्स में नहीं है जो आपने पिछले मूवी में नहीं देखा है। मतलब मैंने बताया जैसे कि पठान का समझ लिए वही सेम कहानी है, और इसमें एक अच्छा मैसेज भी दिया गया है AI को लेकर, वो देखना, वो देखिए। हाँ वो अच्छा है। बाकी फिल्म में जो गाना वो ठीक ठीक है, जो गाना 3 गाना उसमें दिखाया गया लगभग, जो कि मेरे हिसाब से इतना मजेदार नहीं है। बाकी हमने जो गाना सुना है वो तो अच्छा ही है, वो तो ट्रेंडिंग पे चल ही रहा है। ओवरऑल ये मूवी पकाऊ है, ये टॉर्चर है। इस मूवी को देखने मत जाइए। OTT पे आएगा तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। मतलब खाना खाते खाते थोड़ा इधर उधर देखते देखते आप मनोरंजन का हो जाएगा। आप रेगुलरली बैठ के इसको देखेंगे ना 2.5 घंटा, तो मैं बता रहा हूँ आपके आँख से लेके कान से लेके और आपके सर में मतलब खूनी बवासीर हो जाएगा, ऐसा ये मूवी है। तो मैं यही कहूंगा कि भाई आप लोग OTT पे आएगा तो जाके देख लीजिएगा। बाकी मैदान मूवी जाके देखिए, वो भी 3 घंटे की मूवी है। वो भी 1/2 घंटा मूवी छोटी हो सकती थी, लेकिन उसका क्लाइमेक्स देख के आपको पता है रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सलूट मारेंगे अजय सर को, और मैं बता रहा हूँ कि आप हिंदुस्तानी होने पर गर्व करेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और मूवी कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइए। तब तक लिए नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।